नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में अर्णब गोस्वामी ने कर दिया है बड़ा खुलासा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत सरकार अब एक बार फिर से गरीबों को मुफ्त में देने जा रही है अनाज। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक बैंक ऐसा है जिसने लॉकडाउन में लोगों को देनी शुरू की है खास सुविधा। साथ ही मैं मौसम की अपडेट और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। गरीबों को फिर मिलेगा 2 महीने तक का मुफ्त अनाज, मिलेगा 5 किलो अतिरिक्त राशन। जी हाँ, कोविड संकट के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 2 महीने तक निःशुल्क प्रति महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फिर से मिलेगा। इस योजना के लिए केंद्र राज्य को 26 करोड़ रुपए का खाद्य उद्योग सब्सिडी देगा। सरकार ने कल इस योजना की घोषणा की थी, तो साफ है कि एक बार फिर से लोगों को फ्री में अनाज मिलेगा और ये सब कुछ बढ़ते हुए कोरोना वायरस की केसेस की वजह से हो रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर है ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के दे रहे थे आदेश। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के 3 विशेष पर्यवेक्षक मतदान के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिशों के खिलाफ चुनाव के बाद वह सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगी। तो साफ है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को चुनाव आयोग पर पूरी तरह से शक है। तो क्या आपको भी इस खबर पर बिल्कुल डाउट है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बात करते हैं अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, अगर आप भी HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कई राज्यों में लॉकडाउन के चलते HDFC बैंक शुरू करेगा मोबाइल ATM सेवा। दोस्तों, निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने शनिवार को घोषणा की है कि वह देश के कई प्रमुख शहरों में चलित ATM सेवा फिर से शुरू करेगा। कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में लोग पैसा निकालने और अन्य सेवाओं के लिए बैंक तो छोड़ ही दीजिए ATM तक भी नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे में बैंक ने इस सेवा की पहल की है, यानी कि अब आप सभी के घर घर पर ATM जाया करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे मौसम की बड़ी अपडेट की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी हाल ही में अर्णब गोस्वामी ने एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा किया है और अर्णब गोस्वामी ने साफ कर दिया है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से खत्म किया गया। अर्णब गोस्वामी का यह कहना है कि उनके पास सुशांत सिंह राजपूत के लिए काफी सारे अहम सबूत हैं और वो जिसे साबित कर सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया है और सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हुए। इसके साथ साथ उनको ड्रग्स दिया गया और इसके साथ साथ उनके साथ एक बड़ी साजिश भी हुई है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं अर्णब गोस्वामी पूरी तरह से एक सबूत बहुत जल्द पेश कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम मौसम की। तो जी हाँ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में आंधी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में होगी फिर से बारिश। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी हाल ही में एक भयंकर अपडेट दिया है और इस मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत में भयंकर आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस आंधी तूफान के साथ साथ आप सभी को बारिश भी देखने को मिलेगी, इसलिए आप सभी अलर्ट रहें। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य शेष हटाया। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी हाल ही में ऑक्सीजन की जो कमी हमारे देश में देखने को मिली है उसकी किल्लत पूरी तरह से ऑक्सीजन के मरीज झेल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर समीक्षा बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, रोगियों की देखभाल के लिए घर और अस्पताल दोनों में जरूरी उपकरणों की जरूरत है और ऐसे में ऑक्सीजन पर से उन तमाम टैक्सेस को हटा दिया जाएगा जिससे कि ऑक्सीजन को मिलने में किसी भी तरह से देरी हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे आज के IPL न्यूज की। तो जी हाँ, आपको बता दें कि आज जो मुकाबला हो रहा है दोस्तों वो राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में हो रहा है। और आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल आज पहले गेंदबाजी करा रही है, तो वही कोलकाता नाइट राइडर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और कोलकाता नाइट राइडर ज्यादा कुछ खास कर ना सकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 133 रनों पर ही कोलकाता रह गई है 20 ओवर में। और आपको बता दें कि वानखेड़े की पिच पर यह मैच हो रहा है जहां पर लगभग एवरेज स्कोर भी जो बनता है वो 180 का रहता है। तो राजस्थान रॉयल को इस टारगेट को चेस करने में किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अपने आप में वानखेड़े पिच पर एक बहुत छोटा टोटल है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी, मांगी है खास मदद। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि इन दिनों दिल्ली और महाराष्ट्र दो ऐसे
राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि इसी बात को लेकर के दिल्ली के बहुत ज्यादा थक चुके हैं और उनको समझ में आ चुका है कि कोरोना वायरस रोकना अकेले उनके बस की बात नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने बाकी सभी राज्यों से भी मदद मांगी है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से बाकी सभी राज्य भी दिल्ली में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किसी भी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करें। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, कई जगहों पर छापेमारी। जी हां, आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में एक बार फिर से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके साथ कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है और एक बार फिर से सीबीआई ने उनके खिलाफ छापेमारी की है, जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आज भी नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये सब कुछ तब से होना चालू हुआ है जब से परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। जैसे कि परमबीर सिंह ने कहा था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को ये आदेश दिया था कि वो लोगों से जाकर के रेस्टोरेंट और बार से लगभग 100 करोड़ रुपए की वसूली करें। अब साफ है कि एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है तो अनिल देशमुख की परेशानी तो बढ़ेगी ही। चलिए बात करते हैं अब हम एक और बड़ी खबर की, तो जी हां आपको बता दें कि कुदरत एक बार फिर से डेंजर रूप ले रही है। उत्तराखंड के चमोली में फिर से टूटा ग्लेशियर, चपेट में आया बीआरओ कैंप, 291 लोग सुरक्षित निकाले गए, अभी भी अलर्ट है जारी। दोस्तों आपको बता दें कि आज चमोली में एक बार फिर से बेहद ही दर्दनाक और खतरनाक घटना घटित हुई। यहां पर दोस्तों एक बार फिर से आज एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट गया, हालांकि इस बार किसी भी तरह से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और 291 लोग जो कि यहां पर फंसे हुए थे उनको पूरी तरह से सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिससे कि निश्चित तौर पर ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी जीत है और आज एक बार फिर से बहुत बड़ी घटना घटित होने से बच गए, जिससे कि हमारे देश के सैनिकों के लिए भारत सरकार को अब काफी कुछ करना भी चाहिए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो पाकिस्तान की नापाक हरकत, सीमा पर घुसे दो ड्रोन, बीएसएफ ने की है फायरिंग। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी घटिया हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। जी हां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके दो पाकिस्तानी ड्रोन शनिवार तड़के भारतीय सीमा में घुस आए और दोस्तों ये सब कुछ हुआ शाम को 4:30 बजे, जब अचानक से बीएसएफ के जवानों को दो ड्रोन दिखा जिस पर उन्होंने लगभग 10 से 15 गोलियां भी चलाई, लेकिन ये ड्रोन वापस चले गए। तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये ड्रोन एक बार फिर से भारत में निगरानी करने की कोशिश कर रहे थे और इन ड्रोन में कैमरे भी लगे हुए थे। तो पाकिस्तानियों की जो हरकत है वो लगातार घटिया होती जा रही है और अब पाकिस्तान को जवाब देने का टाइम आ गया है। आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ बात करेंगे अब हम आज के लेटेस्ट सोने और चांदी के प्राइस की। तो जी हां आपको बता दें कि शादियों के सीजन से पहले सस्ता हो गया सोना और चांदी। दोस्तों आपको बता दें कि आज एक बार फिर से सोने के प्राइस में लगभग 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम बात करें चांदी के प्राइस की, तो जी हां आपको बता दें कि चांदी में तो लगभग आज 500 रुपए के आसपास गिरावट देखने को मिली है और इसके बाद चांदी का प्राइस 68,710 रुपए प्रति किलोग्राम पर है, तो वहीं सोने का प्राइस 47,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। तो साफ है कि दोनों ही धातुओं में एक बड़ी गिरावट हुई है, जिसके बाद सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सी खबर आप सभी को सबसे अच्छी लगी। साथ ही आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।